हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसन लगा आप लोगों को मेरा इंट्रो? हम तो सोचते हैं कि बढ़िया ही लगा होगा, पर अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए एक बार। इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं, दिन भर व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करके हमको कमेंट में ये तो बता ही सकते हैं कि इंट्रो पार्ट अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो हम अपने आप को सुधार लेंगे, है ना। और अगर अच्छा लगा तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करो भाई। तो इन सब बातों को छोड़िए और आते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो हम पहुंच गए थे मसूरी देहरादून से, जो कि बहुत ही सुंदर रास्ता था, और हम पहुंचे थे एक शेयरिंग कैब से, और उसमें हमें लगा पर पर्सन 300 रुपीज़। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें जस्ट 1 किलोमीटर के रास्ते पे मसूरी पहुँचने के बाद, जो कि पिक्चर पैलेस नाम का जगह है, वहाँ पे हमें मिला ये मोज़ाइक होटल, जो कि था बहुत ही ज़्यादा आलीशान, और इसका पर डे रूम का प्राइस था 10,000 रुपया। लेकिन हम यहाँ नहीं रहे, हम रहे वैसे होटल में जिसका पर डे का प्राइस था 1,500 रुपया, और हमें ये व्यू मिल रहा था बंदरों के साथ, जहाँ बंदर अपने बंदर को यानी अपने बच्चों को ब्रेड खिला रहे हैं, उधर बॉटल रखा हुआ है, बॉटल का पानी पीते थे और यही सब नौटंकी करते थे। लेकिन व्यू जो था वो बहुत सुंदर था। और शाम में हम इसलिए बाहर नहीं निकलते थे बिकॉज ये बंदर बाहर निकल के अपना नौटंकी करते थे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड शी इज माय फ्रेंड मोनम, जिसको आप लोग पहले भी देखे हो वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं मसूरी, अभी शाम में 4 बजे करीब हम मसूरी पहुंचे हैं, एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर मॉल रोड। लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और कैसा नजारा है वहाँ का देखने के लिए। चलिए तो चलते हैं मॉल रोड। हाँ, और भी जो जगह होगा वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और बाकी की जगह हम कल करेंगे। सो लेट्स गो एंड विल मीट यू सून। तो मसूरी पहुंचने के बाद जब हम मोज़ाइक गार्डन के पास खड़े थे तो हमें दिखा ये आश्रम, जो कि बहुत सुंदर था। और ये हमें लगता है कि सिर्फ एक ही मंदिर था मसूरी का, उसके अलावा और कहीं पे कोई मसूरी में मंदिर नहीं था। और फिर हम पहुंच गए मॉल, मेरा मतलब मॉल रोड। वैसे आप मॉल भी कहो तो ये गलत नहीं है, बिकॉज़ मसूरी में सारा सामान जो हर दुकान में मिलता था वो भी इतना ही महंगा मिलता था, पर ये क्या हैवी डिस्काउंट सेल। अब तो यहाँ से कपड़ा ही खरीदेंगे भाई, और कहीं से नहीं खरीदने वाले हैं हम, क्योंकि जितने भी दुकान में अभी तक गए हैं उनका तो स्टार्ट ही हो रहा है 5,000 से, और मुझे लगता है कि ये सेल वाले मुझे 100 से 200 में तो दे ही देंगे कपड़े। तो कपड़े खरीदने के बाद और शॉपिंग सारा कर लेने के बाद हम गए कुछ खाने पीने, बिकॉज़ भाई मसूरी में आप आए हो तो खाओगे पियोगे नहीं क्या। तो सामने मुझे दिखा ये कबाब वाला शॉप, जो कि मेरा मन तो था खाने का पर मेरे दोस्तों को मन नहीं था, तो फिर मैंने बोला कि चलो छोड़ो नहीं खाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा सा और शॉपिंग कर लिए, बिकॉज़ आप मसूरी में आओ, मॉल रोड में आओ और शॉपिंग ना करो, ऐसा कभी हो सकता है भला? तो मसूरी में जब आप आओगे ना तो मॉल रोड ही सबसे मेन अट्रैक्शन होता है इसका, तो यहाँ आप आराम से घूमो, शॉपिंग करो, प्रिंगल्स खाओ। सामने प्रिंगल्स दिखा आपको? तो मुझे तो दिखा, प्रिंगल्स खाओ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाओ, लोगों को देखते जाओ। लड़कियां हैं तो भाई आप दूसरी लड़कियों के कपड़ों को देखो और फिर उनका मजाक बनाओ जैसे सब लोग करते हो। और उसके बाद फिर थोड़ी दूर के बाद आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आपको मिलेगा मसूरी का नज़ारा। बहुत ठंड के साथ मज़ा भी आ रहा है बहुत। तो यहाँ का आनंद लेने के बाद नज़ारे का हम पहुँच गए गोलगप्पा खाने, और गोलगप्पा बहुत ज़्यादा बढ़िया बनाया हुआ था। ये भैया के साथ हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराएं, और बहुत बढ़िया था गोलगप्पा। पता नहीं फ़ोटो क्या हो गया, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिला, पर चलो कोई बात नहीं, आपको भैया की शक्ल तो दिख ही गई होगी। तो अगर आप मसूरी जाते हो तो ज़रूर इनके शॉप से खाओ। और फिर हम चले गए रिंग वाला गेम खेलने के लिए, यहाँ पर शूटिंग गेम भी था पर मुझे मालूम था कि मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगी एक भी, और बेइज्जती हो जाएगा, पर बेइज्जती तो भाई रिंग वाले में भी हो गया, बिकॉज़ रिंग वाले में भी मैंने कुछ भी नहीं जीता। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, जबकि देखो आप, मेरा ना थोड़ा थोड़ा रह जा रहा था, थोड़े से रह जा रहा था, बट वो भैया इतने गंदे थे कि मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और मैंने अपना 50 रुपया भी बर्बाद कर दिया। पर चलो कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया, और मूड ख़राब होने के बाद
अपने मूड को अच्छा करने के लिए मैं गई मोमोज खाने, और पता नहीं क्यों ये लोग मेयोनीज को छुपा कर रखते हैं, पता नहीं कितना महंगा देता है। एक तो मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है, और जब भी मैं इनसे मांगती हूँ कि भैया थोड़ा सा मेयोनीज दे दो एक बार, तो ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तो ये लोग ऐसे मुझे घूर के पहले देखते हैं और फिर थोड़ा सा एक ड्रॉप एकदम दवा जैसा गिरा देते हैं। तो भाई क्यों रखते हो मेयोनीज? और रखते हो तो भाई बढ़िया से खिलाओ, कहाँ ले जाओगे बचा के, घर में अपने परिवार वाले को खिलाओगे। तो फिर यहाँ से मोमोज खाने के बाद, जो कि था 80 रुपये का 6 पीस, सोच लो हम कितने अमीर हो गए थे मसूरी जाके। बस भले ही वो मोजाइक होटल में नहीं रहे, पर हमने उतना पैसा बर्बाद तो कर ही दिया मसूरी में। और उसके बाद फिर एटलीस्ट मोमोज कुछ भी था, बट रिंग वाले से तो बेटर ही था ना भाई। उसके बाद मैं गई और अपना टैटू बनवाया मैंने, जो कि बिल्कुल 50 रुपये में बना रहे थे भैया, जो कि 6 दिन रहता। टेम्पोररी टैटू, अगर परमानेंट बनाती तो मम्मी शायद घर में घुसने नहीं देती, तो इसी वजह से मैंने बनाया टेम्पोररी टैटू, और जो कि जिसका शेप था एक चिड़िया, एक उड़ती हुई चिड़िया बनाई मैंने, ऐसी चिड़िया जो 5 दिन में उड़ने वाली थी। मेरी फ्रेंड भी, हम दोनों का डिसाइड हुआ था कि हम दोनों बनवाएंगे, तो फिर हमने बनवा लिया। और उसके बाद यहाँ से पीछे जो आप दुकान देख रहे हो ना, ये वाला भी सेल में लगा हुआ था, तो वहाँ से भी मैंने कुछ कपड़े खरीदे। और उसके बाद फिर हम ये सुंदर सा टैटू बना के फ्लॉन्ट करते हुए निकल गए। और उसके बाद फिर हमने जब हम होटल से निकल रहे थे मॉल रोड के लिए, तभी हमने चिकन वाले भैया को, यानी कि रसोईया को, जो होटल के रसोईया थे, उनको ऑर्डर दे दिया था कि हमें प्रॉपर चिकन चाहिए, बिकॉज़ बहुत दिन से हम बढ़िया से चिकन नहीं खाए थे। तो हमने बोला कि हम आपको चिकन ला के दे देंगे, आपको उसको काट के बनाना होगा बिल्कुल घर के जैसा, और उन्होंने बना के दिया। तो यही था इस वीडियो में, और बहुत बढ़िया था। अब आते हैं कमेंट रीडिंग पे। तो थैंक यू लवप्रीत सिंह कमेंट करने के लिए, साथ ही साथ सत्यम आनंद, सूरज और प्रतीकादित्य, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस नज़ारे के साथ।